नमस्कार दोस्तों, नॉलेज लैब चैनल में आप सभी का स्वागत है। लेट्स लर्न टुगेदर। आज का हमारा टॉपिक है इवोल्यूशन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग एक सिविल इंजीनियरिंग का एक इम्पॉर्टेंट ब्रांच है। ये ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग क्या है? ये इट इज़ अ एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड बेसिक साइंटिफिक प्रिंसिपल्स दैट इन ऑर्डर टू प्रोवाइड, मतलब वो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करना है कैसा सेफ, कंफर्टेबल, इफिशियंट, रैपिड, कन्वीनियंट और इकोनॉमिकल, और इसके साथ ही ये एनवायरमेंट फ्रेंडली भी होना चाहिए। ये ट्रांसपोर्ट मेनली पीपल एंड गुड्स, ये सबका ट्रांसपोर्ट रहता है। तो एक जगह से दूसरी जगह भेजना है या फिर जाना है, ये सब के लिए ये ट्रांसपोर्टेशन हम बोलते हैं। अभी पुराने ज़माने में कैसा होता था, पूरा ट्रांसपोर्टेशन लोग पैदल ही चलते थे, वो समय उतना कुछ ज़्यादा डेवलपमेंट वगैरह नहीं हुआ था। उसके बाद में लोगों ने एनिमल्स का, जैसे बुलक कार्ट्स, उसका यूज़ करना चालू कर दिया। उसके बाद में कुछ लोग हॉर्सेस, मतलब घोड़ों का इस्तेमाल करने लग गए, जैसे घोड़े के ऊपर जाना है या फिर घोड़ा गाड़ी या फिर टांगा यूज़ करने लग गई। और उसके बाद में रेगिस्तान में तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए ऊन का इस्तेमाल करते थे। तो इस हिसाब से जानवरों का भी बहुत सारा इस्तेमाल होता था ट्रांसपोर्टेशन के लिए। और ये जैसे जैसे समय बीतता चला गया, वैसे नए नए डेवलपमेंट होते गए। फिर रोड शुरू हो गया, तो रोड के बाद में रेलवे का इन्वेंशन हो गया, फिर रेलवे हो गया, फिर उसके बाद में एयरपोर्ट्स या फिर फ्लाइट का, इसका प्लेन, उसका इन्वेंशन हो गया। उसके बाद में वाटरवेज तो पुराने ज़माने में भी यूज़ होता हुआ करते थे, जैसे कोई नदी या नाला या कुछ समुद्र है तो एक जगह से दूसरे जगह जाना है तो, या फिर बोट से वो पार करते थे। तो इस हिसाब से जैसे जैसे समय बीतता गया, अलग अलग ट्रांसपोर्टेशन के मोड आते गए। तो इस हिसाब से मेजर ट्रांसपोर्ट क्या हो गया, अपना रोड, रेलवे, एयरवेज और वाटरवेज। आज ये सब चारों के बारे में हम डिटेल जानेंगे। ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग इवोल्यूशन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग क्या है? ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग मीन्स, ट्रांसपोर्टेशन मीन्स कन्वेंस, एक जगह से दूसरी जगह जाना, या ट्रांसपोर्टेशन और उसका मूवमेंट भी बोल सकते हैं, मूवमेंट ऑफ पीपल, मूवमेंट ऑफ एनिमल, गुड्स फ्रॉम वन लोकेशन टू अदर लोकेशन। अभी ये मोबिलिटी जो भी मूवमेंट है वो एज पर ह्यूमन, मतलब जैसे ज़रूरत है उसके हिसाब से। अभी पुराने ज़माने से ये ट्रैवलिंग ज़्यादातर कुछ रोज़गार या फिर खाना ढूंढने के लिए इसके लिए होता था, या फिर पुराने ज़माने में एक जगह से दूसरी जगह जैसे जाना है, या फिर वॉर वगैरह कुछ सिचुएशन है, उस समय ज़्यादा होता था। अभी मेनली ट्रांसपोर्टेशन में, अभी इंडस्ट्रियल के हिसाब से हम देखेंगे तो रॉ मटेरियल का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को सप्लाई करना, उसके साथ ही जो फिनिश प्रोडक्ट, जो रेडी प्रोडक्ट है उसको कंजम्पशन के लिए या फिर सेल के लिए ट्रांसपोर्टेशन करना, उस हिसाब से भी ट्रांसपोर्टेशन का नीड है। ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग जैसे हमने अभी देखा, इट इज़ अ साइंस ऑफ सेफ, एक साइंस और टेक्नोलॉजी है जो अपना पीपल और गुड्स का एकदम इफिशियंट, सेफ, इकोनॉमिकल और कंफर्टेबल ट्रांसपोर्ट करता है या फिर मूवमेंट करता है। तो ये इसमें ज़्यादातर ऐसा केयर लिया जाता है कि ये जो डिज़ाइन ऑपरेशन जो भी रहता है वो ज़्यादातर एनवायरमेंटल
फ्रेंडली हो और सेफ हो। अभी रोल ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन नेशनल डेवलपमेंट। ट्रांसपोर्टेशन का रोल किसी भी राष्ट्र के निर्माण में बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन की वजह से ही इकोनॉमिकल, इंडस्ट्रियल, सोशल और कल्चरल डेवलपमेंट होता है किसी भी देश का। अभी किसी भी देश का इकोनॉमिकल डेवलपमेंट जो है, जो उसको उसका देश के अंदर कितना ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज है और कितना लोकेशन तक आप रीच कर सकते हो, उसके ऊपर डिपेंड होता है। अभी जैसे कोई भी प्रोडक्शन हो गया, इंडस्ट्रियल हो गया, कुछ हो गया, फूड हो गया, फिर कपड़ा हो गया, या फिर कुछ खेती के प्रोडक्ट्स या फिर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हो गया, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हो गया, या फिर कोई दवाई हो गया, मेडिसिन, इसके लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी बहुत ही ज़रूरी है। और इसकी वजह ये अगर अच्छा फैसिलिटी है तो वो नेशन के डेवलपमेंट में बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। ट्रांसपोर्टेशन जो जैसे मैंने देखा बोला कि राष्ट्र के निर्माण में ट्रांसपोर्टेशन का बहुत बड़ा रोल है। इसके साथ ही जो सिविलाइजेशन है, जैसे जैसे सिविलाइजेशन, जैसे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी जहाँ अवेलेबल है उसके हिसाब से सिविलाइजेशन भी वहाँ के एरिया में होता है। और ये ट्रांसपोर्टेशन का और ह्यूमन सिविलाइजेशन, ये दोनों का एक अच्छा कोरिलेशन है। जैसे अभी क्वालिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एक दूसरे से भी जुड़े हुए हैं। अभी जैसे भी अपने पुराने अपने देश में भी देखा होगा, जैसे कोई किसी भी नदी किनारे कोई भी गांव बसता है या फिर किसी भी रेलवे स्टेशन या उसके आसपास में ज़्यादातर गांव बसते हैं या फिर लोकेलिटी पब्लिक बसता है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि वो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी और उसके साथ में उसके कनेक्टेड स्टैंडर्ड लिविंग, तो उस हिसाब से ट्रांसपोर्टेशन का एक मेजर रोल होता है। अभी ट्रांसपोर्टेशन एक इकोनॉमिकल होना बहुत ही ज़रूरी है। तो उसके साथ ही रूरल एरिया, जहाँ रूरल एरिया अपने देश में या फिर किसी भी देश में रूरल एरिया है, वहाँ ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी अच्छा रहेगा तो उन लोगों के लिए भी या फिर वो एरिया का भी अच्छा डेवलपमेंट होता है। अभी ट्रांसपोर्टेशन का डायरेक्ट परफॉर्मेंस हेल्थ और एजुकेशन पे भी होता है। जैसे कोई भी रूरल एरिया में हेल्थ सेंटर नहीं रहते, अभी उनको किसी उसके लिए किसी डिस्ट्रिक्ट या फिर टाउन या सिटी जाना पड़ता है। उसके साथ एजुकेशन भी, गांव में कभी कोई स्कूल नहीं रहता तो स्कूल के लिए भी उनको दूसरी जगह जाना पड़ता है या फिर दूसरे गांव, दूसरे शहर जाना पड़ता है, तो उसके लिए भी ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी होना बहुत ही ज़रूरी है। अभी ट्रांसपोर्टेशन का दूसरा और एक ये है कि जब भी कोई वॉर बेस्ड सिचुएशन होती है या फिर कुछ राइट से हालत हो जाते हैं तो फिर देश के अंदर, तो वो वहाँ बेटर लॉ ऑर्डर मेंटेन करने के लिए वहाँ मिलिट्री को या फिर जो भी डिफेंस पर्सन है उनको भी पहुँचने के लिए वो फैसिलिटी का बहुत ही यूज़ होता है। अभी हम देखेंगे मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ये यहाँ चार मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है मेजर, वो पहला है रोडवेज, दूसरा है रेलवेज, तीसरा है एयरवेज और चौथा है वाटरवेज। ये चार मेजर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। कहीं कहीं जगह एकदम रिमोट प्लेस है पर ऐसा हिली एरिया में रोपवे भी यूज कर सकते हैं, यूज करते हैं। अब ये जो मेन चार ट्रांसपोर्ट है ये अलग अलग कंडीशन के ऊपर डिपेंड है, जहाँ वहाँ का लोकेशन, वहाँ का नेचर, वहाँ के कैसे कैसे मोड ट्रांसपोर्ट मोड है, वहाँ का सिस्टम क्या है, उसके ऊपर पूरा कौन कौन सा रोडवे जो भी चार ट्रांसपोर्टेशन वेज है उसके ऊपर डिपेंड है। और उसमें सब में ये चारों में कुछ उसके एडवांटेजेस भी है, कुछ उसके ड्रॉबैक या फिर डिसएडवांटेजेस भी है। अभी इसके बारे में हम डिटेल देखेंगे। अभी रोड्स एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, मतलब भारत में रोड नेटवर्क बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्रांसपोर्टेशन के लिए माना गया है। भारत विश्व का दो नंबर का सबसे बड़ा रोड नेटवर्क वाला देश है। अपने देश में 5.89 मिलियन, मतलब ऑलमोस्ट 59 लाख किलोमीटर के रोड्स है और ये सेकंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क इन द वर्ल्ड है। अभी अपने देश में, भारत में सबसे ज़्यादा
जो ट्रांसपोर्ट होता है वो 64.5% बाय रोड नेटवर्क से होता है, जो भी गुड्स है जबकि इंडस्ट्रियल गुड्स या फिर जो भी मटेरियल है। और उसके साथ ही 90% ऑफ इंडिया टोटल पैसेंजर ट्रैफिक, मतलब जो भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है फिर पीपल ट्रांसपोर्ट है, वो 90% रोड से ही होता है। अभी हम देखेंगे एडवांटेजेस ऑफ रोड। रोड ट्रांसपोर्ट एक क्विक और एश्योर्ड सर्विस है जो जल्दी डिलीवरी दे सकते हैं, जैसे फिक्स डिस्टेंस होता है आप टाइम जल्दी आप निकल सकते हो, पहुंच सकते हो। और रोड एक कमर्शियल लिंक भी प्रोवाइड करता है अलग अलग सिटीज के बीच में, जैसे कोई मेजर सिटी या फिर टाउन्स के बीच में। रोड का कंस्ट्रक्शन जो कॉस्ट है वो कंपेरेटिवली लोअर है, मतलब कम खर्चे में भी रोड बना सकते हैं। और रोड में जैसे फ्लेक्सिबल सर्विस रहता है, जैसे कोई शेड्यूल नहीं, आप कभी भी निकल सकते हो कभी भी जा सकते हो, कुछ फिक्स शेड्यूल नहीं रहता। और रोड की सर्विस की वजह से डोर टू डोर सर्विस आप प्रोवाइड कर सकते हो। रोड में जो भी ट्रेड या फिर इंडस्ट्रीज का जो भी ग्रोथ है या फिर इकोनॉमी है उससे रोड ट्रांसपोर्ट से बहुत ही फायदा होता है। अभी कुछ शॉर्ट हॉल के लिए फिर नज़दीक के इसके लिए रोड ट्रांसपोर्ट एक इकोनॉमिकल पड़ता है। अभी हम देखेंगे डिसएडवांटेजेस ऑफ रोड। सबसे बड़ा रोड का डिसएडवांटेज ये है, रोड ट्रांसपोर्ट का मेनली सेफ्टी के हिसाब से या फिर वहाँ बहुत सारे एक्सीडेंट होने के अगर चांसेस है तो उस हिसाब से एक रोड का मेन डिसएडवांटेजेस है। और दूसरा, रोड में अगर कंस्ट्रक्शन क्वालिटी खराब है तो या फिर मेंटेनेंस भी ठीक से नहीं किया है तो उसकी वजह से टोटली ऑपरेशन कॉस्ट ऑफ व्हीकल्स, जो भी व्हीकल है उसका ऑपरेशन कॉस्ट बढ़ जाता है। और रोड ट्रांसपोर्ट एक मेनली एनवायरमेंटल पोल्यूशन के लिए सबसे बड़ा रीजन हो सकता है। रोड ट्रांसपोर्ट में जैसे कैरिंग कैपेसिटी, जैसे पैसेंजर लेके जाना है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, पीपल ट्रांसपोर्ट है, उसमें एक लिमिट रहता है, जैसे कुछ सर्टन नंबर्स ही आप एट अ टाइम ले जा सकते हो। रोड ट्रांसपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है। रोड ट्रांसपोर्ट मेनली अगर किसी भी सिटी में जाए तो वहाँ आप देख सकते हैं पार्किंग के बहुत सारे इशू रहते हैं, पार्किंग का प्रॉब्लम रहता है, अब जगह जगह आपको पार्किंग के लिए ढूंढना पड़ता है। अभी हम बात करेंगे रेलवे की। रेलवे, इंडियन रेलवे विश्व का चौथा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है, ऑलमोस्ट उसमें 67,956 किलोमीटर्स अपना रेल रूट है। जैसे विश्व का चौथा नंबर रेल नेटवर्क हैविंग 67,956 किलोमीटर, और ये मार्च 2020 तक के फिगर है। तो अभी देखेंगे कि मार्च 2020 तक इंडियन रेलवे ने 808 करोड़ लोगों को पैसेंजर मतलब ट्रांसपोर्ट किया टोटल, और इसके साथ ही 121.22 करोड़ टन ऑफ फ्राइट, मतलब जो भी गुड्स मटेरियल है 121.22 करोड़ टन्स का ट्रांसपोर्टेशन किया है। और इंडियन रेलवे के पास 13,169 पैसेंजर ट्रेन है डेली, और जो भी लॉन्ग डिस्टेंस शॉर्ट डिस्टेंस सब अर्बन रूट्स उसके लिए है, जो ऑलमोस्ट 7,325 स्टेशंस कवर करते हैं, ऑलमोस्ट ऑल ओवर इंडिया 7,325 स्टेशंस हैं। अभी हम देखेंगे एडवांटेजेस ऑफ रेलवेज। रेलवेज का मेन एडवांटेज है कि ये रेलवेज कैन बी सीजनल फ्लक्चुएशन इन सीजनल ट्रैफिक, जैसे कोई भी सीजन के हिसाब से आप ट्रेन एक्स्ट्रा छोड़ सकते हो, उसके हिसाब से आप कम ज़्यादा कर सकते हो, जितना रिक्वायरमेंट है जितना पब्लिक का डिमांड है उसके हिसाब से आप ट्रेन छोड़ सकते हो। रेलवे का जर्नी जो भी है वो कंपेरेटिवली रोड या फिर अदर से चीप है, सस्ता है, और मेनली लॉन्ग डिस्टेंस के लिए, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग के लिए रेलवे जर्नी अच्छा माना जाता है। रेलवे एट अ टाइम
हेवियर लोड्स जो भी है, गुड्स वगैरह है, वो भी हैंडल कर सकते हैं एक वो भी हाई स्पीड के अंदर, जैसे कि कितना भी स्पीड है वो उसका लोड कैरिंग जो भी हेवी मटेरियल लेके जा सकते हैं। और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, जैसे कपड़ा या कोई खाने के जो आइटम्स हैं वो, जैसे किसी इमरजेंसी में, फ्लड्स में या फिर कुछ नेचुरल कैलमिटीज में रेलवे से पहुंचा सकते हैं। और रेलवे चीप, कन्वीनियंट और सेफ मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, जैसे भी उसका नज़दीक हो या दूर जाना है, दोनों के लिए वो चीप है। रेलवे किसी भी वॉर सिचुएशन या फिर इमरजेंसी सिचुएशन में डिफेंस पर्सन को भी मतलब इमरजेंसी में आप कैरी कर सकते हैं, फिर ट्रांसपोर्टेशन के लिए बहुत ही अच्छा है। अभी कुछ डिसएडवांटेजेस हैं रेलवेज के, इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहला डिसएडवांटेज है, रेलवे को कंटिन्यूस या फिर कॉन्स्टेंट मेंटेनेंस की ज़रूरत है, जैसे कि वो जो नीचे के व्हील्स हैं वो मेनली रिजिडली फिक्स रहते हैं एक डिस्टेंस, और भी ज़्यादा सीरियस एक्सीडेंट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, इसलिए उसका कॉन्स्टेंट मेंटेनेंस होना ज़रूरी है। इनिशियल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, जो भी रेलवे का इनिशियल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है, जैसे इसमें ट्रैक्स हो गया, ट्रेन्स हो गया, स्टेशंस हो गया, और सराउंडिंग जो भी है बलास्ट वगैरह, वो सबका कॉस्ट थोड़ा हाई रहता है। और मेनली ये ट्रैक्स है, ये ट्रैक जो रहते हैं वो सिर्फ ट्रेन, सिर्फ और सिर्फ ट्रेन्स के मूवमेंट के लिए यूज किए जा सकते हैं। और ये ऑपरेशनल कंट्रोल्स, ये बहुत ही जरूरी है रेलवे में, क्योंकि वो सिग्नलिंग करना या फिर इंटरलॉकिंग करना या फिर कोई भी ट्रेन अगर पास हो रही है, दो ट्रेन आ रहा है, क्रॉसिंग हो रहा है, तो उस समय इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। और रेलवे मेनली स्पेसिफिक सर्विस के लिए ही ज़्यादा यूज होती है। अभी हम बात करेंगे एयरवेज की। एयरवेज, ये भारत में आप टोटल 486 एयरपोर्ट्स है, जैसे में एयर स्ट्रिप्स है, मिलिट्री बेसिस है या फिर डोमेस्टिक है, इंटरनेशनल है, टोटल मिला करके 486 एयरपोर्ट्स है। उसमें से 123 जो एयरपोर्ट्स है वो कमर्शियल फ्लाइट के लिए है, और कुछ सिविल या आर्मी बेस के लिए भी है, और 34 जो है वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं। अभी देखेंगे एयरवेज के एडवांटेजेस। एयरवेज का सबसे बड़ा एडवांटेज है, इट इज द फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, सबसे फास्ट जाने वाला है, या फिर एक जगह से दूसरी जगह अगर पहुंचना है तो फास्टेस्ट मोड है। दूसरा है, इट इज वेरी यूजफुल इन ट्रांसपोर्टिंग, मतलब कोई भी गुड्स या पैसेंजर को अगर किसी रूट एरिया में पहुँचाना है, मटेरियल पहुँचाना है, फिर पैसेंजर्स को कुछ पहुँचाना है जो रोड या रेलवे से एक्सेसिबल नहीं है, तो वहाँ ये एयरवे काम आता है। और एयरवेज मेनली कन्वीनियंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट ड्यूरिंग नेचुरल कैलेमिटी, जैसे कहीं फ्लड आया, कुछ और ये हो गया, तो वहाँ ये कुछ भी मदद पहुँचा रहा है तो ये एयरवे से या फ्लाइट से या प्लेन से मदद पहुँचाई जा सकती है। और ये प्लेन एयरवे जो है वो मेनली नेशनल सिक्योरिटी और डिफेंस उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अभी डिसएडवांटेजेस ऑफ एयरवेज, डिसएडवांटेज ऑफ एयरवेज, अभी ये सबसे मोस्ट एक्सपेंसिव मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, मतलब सबसे महंगा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, इसके टिकट कॉस्ट बहुत ही हाई रहती है। और ये मेनली नॉट सुटेबल फॉर हेवी और बल्की लोड्स, बल्की गुड्स, जैसे मेरे कुछ का कुछ हेवी और बल्की मटेरियल या फिर गुड्स है वो इसमें अलाउ नहीं करती, कुछ लिमिटेशन रहता है, उतना लिमिटेशन तरीके आप ट्रांसपोर्ट कर सकते हो। ये अगर कुछ वेदर कंडीशन खराब है या फिर कुछ नेचुरल प्रॉब्लम है तो उसमें ये फ्लाइट चल नहीं सकती या फिर वो रोकना पड़ता है, इसमें नेचर के जो क्लाइमेट कंडीशन का इसके ऊपर बहुत ही बुरा असर होता है। और ये शॉर्ट डिस्टेंस के लिए ये
सुटेबल नहीं है। और किसी अगर कुछ अनफॉर्चुनेट कुछ एक्सीडेंट अगर कुछ हो गया तो वहाँ बहुत ही हेवी लॉस होने के ज़्यादा चांसेस है, जैसे गुड्स और प्रॉपर्टी हो या फिर पैसेंजर्स लाइफ हो, तो उसमें हेवी लॉस होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। अभी हम देखेंगे चौथा, वाटरवेज। वाटरवेज, वाटरवे इंडिया में, भारत देश में वाटरवे का एक बहुत बड़ा रोल है। जैसे कि टोटल भारत देश की इकोनॉमी या फिर इंडस्ट्रियल ग्रोथ या फिर फॉरेन ट्रेड, इसके लिए वाटरवेज का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। जैसे अभी भारत में पुराने ज़माने में भी जैसे नदी से या फिर नाला या फिर तालाब से बोट से वगैरह ट्रांसपोर्टेशन करते थे, जैसे कैनाल से, बैक वाटर से, क्रीक से, अभी कई कई जगह समुद्र के इससे भी ट्रांसपोर्ट करते थे। अभी भारत में टोटल 111 ऑफिशियली नोटिफाइड इनलैंड नेशनल वाटरवेज है, जिसे हम NMWs बोलते हैं, और इस जो मेनली वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ किए जाते हैं। अभी नेशनल वाटरवे एक्ट 2016 में बना गया, इसमें से 111 है नेशनल वाटरवेज है, उसमें से 106 जो 2016 में बनाए गए थे। और इनलैंड वाटरवे जो है, इसमें 111 जो नेशनल वाटरवे है, ये मेनली अभी करंट कार्गो हैंडलिंग करते हैं, जो अभी 55 टन 2017-18 में करते थे, तो 72 टन का हैंडलिंग 2018-19 में करते थे, जो अभी 100 टन का करते हैं, जो अभी 2021-22 में करते हैं। और यहाँ ये ट्रांसपोर्ट पैसेंजर वाटरवेज का, पैसेंजर का भी बहुत ही है देश में, अपने भारत देश में है, जैसे केरला में वगैरह साउथ में, वहाँ भी वाटरवेज का ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। जैसे भी कुछ सी वेज इससे भी आप ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी जो भी है, शिप्स वगैरह है, ये भी अपने भारत देश में अभी अच्छा से काम करता है। अभी इसमें अपना भारत का देश का जो कोस्ट लाइन है वो एक बड़ा सब बड़ा होने की वजह से, और इसमें नियरली 7517 किलोमीटर का कोस्टल लाइन है। और भारत का जो मर्चेंट शिपिंग है वो दुनिया में 19वें नंबर पे आता है, तो इस हिसाब से वाटर ट्रांसपोर्ट का भारत देश में बहुत ही बड़ा रोल है। अभी हम देखेंगे एडवांटेजेस ऑफ वाटरवेज। एडवांटेजेस ऑफ वाटरवेज में सबसे पहला एडवांटेज है लेस मेंटेनेंस कॉस्ट। इसका मेंटेनेंस कॉस्ट कंपेयर टू रेल एंड रोड बहुत ही लेस है, चीप चीप। ये वाटरवेज का ट्रांसपोर्टेशन बहुत ही सस्ता है कंपेयर टू रोड एंड रेलवेज। और ये वाटरवेज में बल्कि गुड्स, जो भी हेवी गुड्स वगैरह है उसके लिए ये यूजफुल होता है, जैसे हेवी बल्कि गुड्स बोट से या शिप से ट्रांसपोर्ट किए जा सकते हैं, उसका मतलब ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट भी कम होता है। ये वाटरवेज नेचुरल कैलामिटीज, फ्लड वगैरह, रेन्स वगैरह सिचुएशन में यूज होता है, जहाँ रेल या फिर रोड ट्रांसपोर्ट डिस्टर्ब हो जाता है उस समय ये वाटरवेज काम आते हैं। वाटरवेज डिफेंस में भी बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है, जैसे डेवलपमेंट ऑफ शिपिंग स्ट्रक्चर पर डिफेंस, मतलब डिफेंस नेटवर्क अपना देश का बहुत ही स्ट्रांग है, उसमें इसका बहुत ही बड़ा रोल है। और फॉरेन ट्रेड के लिए भी वाटरवेज का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है, जैसे फॉरेन ट्रेड बहुत सारा मटेरियल गुड्स वगैरह ट्रांसपोर्टेशन, उसके लिए भी ये बहुत बड़ा रोल होता है, वाटरवेज का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। जैसे इंडिया के कुछ मेजर पोर्ट्स है, वो पोर्ट्स के थ्रू फॉरेन से मटेरियल या फिर गुड्स आना, ट्रांसपोर्ट करना, ये इसके लिए वाटरवेज वहाँ बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अभी हम देखेंगे डिसएडवांटेजेस ऑफ वाटरवेज। सबसे पहला है इसका स्लो स्पीड। इसका ये स्पीड कंपेयर टू रोड या रेल से या फिर कम स्पीड रहता है, और जब भी कुछ मानसून या फिर कुछ नेचुरल कुछ कंडीशन हो गई, क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज हो गया, तो
तो ये वहाँ ये चलाना बहुत ही, शिप वगैरह कुछ भी चलाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। वाटरवेज एक बहुत रिस्की माना गया है क्योंकि वहाँ सिंक मतलब डूबने का बहुत बड़ा खतरा वहाँ मानते हैं शिप्स या बोट्स का, इसलिए वो कंपेयर टू रोड और रेलवे ये बहुत ही रिस्की मानते हैं। तो दोस्तों आपने देखा इवेल्यूशन ऑफ ट्रांसपोर्ट और ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, जैसे चार मेजर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा आप जरूर कमेंट कीजिए। अगर पहली बार आप मेरा चैनल देख रहे हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए और साइड का बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।